मैं एक बात तो माननी पड़ेगी, मुंबई शहर में और वो भी इतने छोटे नोटिस पे तूने कितनी ग्रैंड पार्टी अरेंज की है। हाँ, पर एक बात बोलूं, अब तेरी बेटी ट्विंकल की शादी अगर अमृतसर में होती ना तो वाह, चार चांद लग जाते शादी। आफ्टर ऑल अपना शहर तो अपना शहर ही होता है ना। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड के जो कुछ भी ट्विंकल के साथ अमृतसर में हुआ है उसके बाद तो कैसे उस... I mean, I understand. In that sense, इस शहर ने तुम सब लोगों को अपना मुंह छुपाने की जगह दे दी है, राइट? अरिता, जब तू और तेरा बेटा हमारी बेटी की शादी में शामिल हो ही गए हो तो इस हिसाब से तो तुम हमारे गेस्ट हुए और हम अपने गेस्ट के साथ बड़े अच्छे से पेश आते हैं। Really? क्यों रमन? बिल्कुल। तेनु बड़ा बुरा लग रहा होगा ना कि तू तो चाहती ही होगी कि मेरी बेटी की शादी में सब कुछ ऊंच नीच हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए, और जब तू अपनी आंखों से देख रही है कैसे सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तेनु बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। बुरा तो मैंने भी लगा था जब तू और तेरा बेटा ना जबरदस्ती शादी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद यहाँ अंत तक बनी रहे, क्योंकि जब तू खुद अपने आंखों से देखेगी ना कैसे मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से मजे से हो रही है, कैसे एक एक फंक्शन अच्छे से जा रहा है और कैसे मैं उसे अपने हाथों से खुशी खुशी विदा करती हूँ, तब मैंने सुकून मिलेगा। और इतने सालों से तेरी दुश्मनी में झेलती आ रही हूँ अनिता, बड़ी कोशिश की मैंने जो कुछ भी तेरे और मेरे बीच में पास्ट में हुआ उसे खत्म करने की, ताकि उसका असर हमारे आज पर ना पड़े, लेकिन तूने तो हमारे दोनों बच्चों को इस दुश्मनी में शामिल कर दिया। बड़ी मुश्किलें पैदा की है तूने मेरी ट्विंकल दे वास्ते, इसलिए जब अब तू अपने आंखों से उसकी शादी होते हुए देखेगी ना तब मैनू चैन आएगा। इससे बड़ी जीत मेरे लिए और क्या हो सकती है अनीता? वाह भाई वाह, क्या डायलॉग्स मारती है तू यार। है? मैं तो इतनी इमोशनल हो गई कि कहीं रो ही ना पड़ूं, वैसे ना कुछ भी करूं। बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, कभी भी ज्यादा बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए। अब मैं भी यही हूँ और तू भी यही है। अभी तो तेरी बेटी का सिर्फ संगीत हुआ है, शादी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे आई होप तेरी बेटी ट्विंकल ठीक तो है ना, क्योंकि अभी तो उसको काफी कुछ और भी देखना है। आप जाके नाश्ता करेंगी? जाइए। थैंक यू। रमन, रमन ये क्या बोल गई? कुछ नहीं कहा उसने, आप बैठो। इसकी हर बातों में कोई ना कोई धमकी छुपी होती है, कहीं इसने हमारी ट्विंकल के साथ। ट्विंकल तो अपने कमरे में आराम कर रही है और इसकी तो आदत है बकवास करने की। आप टेंशन मत लो, चलो बैठो, नाश्ता करो। नहीं रमन, मैं अपनी आंखों से देखूं ना तब मैंने तसल्ली होगी, तू भी चल मेरे साथ। मैं आ रहा हूं। ओहो, पढ़ा तुसी चिंता ना करो कि कुछ नहीं होगा, उस अनीता लूथरा और उसके पुत्र युवराज की जरूरत नहीं होगी ट्विंकल को नुकसान पहुंचाने की। अनीता की आवाज में चेतावनी सी थी, रब करे मेरी ट्विंकल अपने कमरे में ठीक ठाक हो। माँ, ट्विंकल, ट्विंकल तू ठीक तो है ना पुत्र? क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी यही सेंटी हो रही थी क्योंकि वो मेंटल अनीता लूथरा और उसका शैतान पुत्र युवराज, उन दोनों ने मिलकर कहीं तुम्हें किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? अब समझाओ इसे। आप इधर आओ। यहाँ पे मुझे पता है आप अपनी और अनीता आंटी की दुश्मनी की वजह से हमेशा मेरे लिए परेशान रहते हैं, लेकिन माँ अब आपकी बेटी सयानी हो चुकी है, उसे सही और गलत के बीच में फर्क पता चल चुका है और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अब अनीता लूथरा और युवराज लूथरा मेरा बाल भी बांका नहीं करती,
आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ. ओ बल्ले बल्ले, अब पहना पुरानी बातों को भूल जाओ. हमारी ट्विंकल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग. और हम सब है ना इसकी हिफाजत करने के लिए. हाँ रमन, आज मैं अपनी ट्विंकल में एक अलग सा तेज देख रही हूँ. कितनी सिहानी हो गई है, थोड़े ही दिनों में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी. और कुछ ही दिनों में मैं छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी. हो गया ड्रामा शुरू, सैड क्यों रहे हो? मैं आपसे मिलने रोज आऊंगी ना, कुछ तो फायदा उठाऊंगी अपने ससुराल और मायके के इतने पास पास होने का. चल छोड़, तुझे कुंज और अपने परिवार में इतना बिजी हो जाना है तनु मेरी याद भी नहीं आएगी. आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? कुंज मुझे आप लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? ओए थंडरक, कुंज का नाम सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अगर मैं जानती हूँ उस रात की बात को लेकर तू अभी भी अपसेट है, लेकिन इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है ना. मुझे तेरा होने वाला पति है पुत्र, और अपने पति की इज्जत करना हर पत्नी का फर्ज होता है. पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी शादी टिकी रहेगी. अपनी माँ की ये बात हमेशा याद रखना पुत्र. होए रमन. हाँ जी. आज तक हमने बहुत सारी शादियाँ देखी, लेकिन ये टशन वाली शादी पहली बार देखेंगे, है कि नहीं? कुंज, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा ना? अपनी माँ को सब कुछ बताता है ना तू? ऑफ कोर्स माँ, ऐसे क्यों पूछ रहा? बस दिल में यह सवाल आ गया, मेरी शादी होने वाली है तो मुझे लगा. माँ, मेरी शादी मेरे और आपके बीच में कभी नहीं आएगी. इस पूरी दुनिया में ना आपसे बढ़ के मेरे लिए कोई भी नहीं, और ना कभी हो सकता है. आप जानते हैं ना ये. वैसे भी शादी सिर्फ एक, तेरी शादी सिर्फ एक समझौता है. तो अपने पापा की खुशी के लिए खुद का और अपनी खुशियों का त्याग कर रहा है. माँ प्लीज, अब एक ही टॉपिक पे बार बार क्या बात है. अपने इस फैसले के आगे ना मैंने अपनी सिद्ध छोड़ दी है. माँ, पापा से वादा किया है कि ये शादी करूँ तो करूँ. आप ही कहती है ना, अगर किसी से वादा करो तो उसे निभा. और आप ये भी कहती है ना कि जो होगा अच्छे के लिए होगा. क्या पता इस शादी में मेरी भलाई. आप टेंशन मत. और बाय द वे, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. मैं अपने बेटे को एक समझौते की जिंदगी नहीं जीने दूंगी. आंटी, आप आंटी क्या है? अनिशा, क्या तुम मेरे कुंज से शादी करोगी? क्या तुम मेरी बहू बनोगी? आंटी आप ये क्या कह रही हैं? जवाब दो अलीशा, हमारे पास ज्यादा वक्त है नहीं. ऑफ कोर्स आंटी, कुंज से शादी करने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ. जवाब दो अलीशा. लेकिन आंटी, ट्विंकल और कुंज की शादी कुछ ही दिनों में है. मैं कुंज से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन ये सब कैसे होगा? मनोहर अंकल तो ट्विंकल को लकी मानते हैं ना, और वो तो किसी भी हालत में ट्विंकल की शादी कुंज से करवा कर ही रहेंगे. रुक सकता है, तुझे मेरी वजह से यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है.
मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही। खुद से बाहर आ। तेरी पूरी लाइफ तेरे अराउंड रिवॉल्व करती है ना। मुझे रुकना होगा तो रुकूंगा, जाना होगा तो जाऊंगा, तेरे लिए नहीं रुकूंगा। इतना भाव खाना बंद कर, प्लीज रुक जा। कोई मदद चाहिए जो इतना प्यार से बात कर रही? मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए रुकने के लिए कह रही हूँ। तुझे डर लगता है? देख, चांद भी बाहर नहीं आया, तेरे डर से छुप के बैठा हुआ बादलों के पीछे। सी, यही तो प्रॉब्लम है। अगर सीधे वे में बोलो तो कोई मानता ही नहीं है। अब कुछ बातें ही कर लेते हैं। गार्डन में चलते हैं, बॉनफायर जलाते हैं। हाँ, मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा। वैसे आई डोंट माइंड, मुझे अंधेरे में भूत की कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता है। तू पागल है। और तू बिल्कुल भी पंजाबी नहीं। मतलब ये पंजाबी लोग ऐसे चुपचाप रहते हैं? पंजाबी लोग तो बातें करते हैं ना। तेरे पास इतनी बातें हैं ना ट्विंकल तनेजा, कि मैं पूरी उम्र साइलेंट मोड पे रह सकता हूँ, क्योंकि तेरे टॉक टाइम हमेशा फुल रहता है। तो तू एक काम कर, खुद बोल और खुद सुन। आई एम श्योर तेरे को कोई और नहीं मिलता होगा ना, तू शीशे के सामने बैठ के खुद से बातें करती होगी। हाय, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ आज, कुछ एक्साइटिंग करते हैं आज, कुछ पे एक नया इल्जाम लगाते हैं। मुझे ना तुम बिल्कुल समझ नहीं आते कुंज सर ना, कभी हीरो बन के मेरी मदद करते हो और कभी सड़ू बन के फालतू की बातें करके मुझे हर्ट करते रहते हो। लगता है पूरी उम्र इसी कंफ्यूजन में एक दूसरे को जाने बगैर गुजारनी पड़ेगी। इट्स बेटर कि हम इस कंफ्यूजन से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी तू समझ नहीं आती। सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं, सजना वे, सजना वे, सजना वे। ये गुरुजी दो घंटे में आने वाले हैं, और जैसा कि तुम जानती हो कि हमारे घर की परंपरा है कि जब वो आते हैं हम उनके लिए 51 पूड़ी और हलवा तैयार रखते हैं। सब तैयारी कर लेना। जी जी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अरे सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अरे थैंक यू बेटा, बैठो बैठो, प्लीज प्लीज आप बैठिए ना। मैं चाय मंगाऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, चाय वाय सब पीकर आए हूं। अरे अरे चलिए कुछ लीजिए तो सही। ना ना जी, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार गुरुजी के लिए खाना ट्विंकल बनाए। आखिर शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, तो कितना अच्छा होगा अगर इस घर की होने वाली छोटी बहू खुद अपने हाथों से ये शुभ काम अपने ससुराल के लिए करे। ट्विंकल ने तो कभी रसोई की तरफ देखा भी नहीं है, उसे तो चूल्हा चौकी का कोई अंदाजा ही नहीं है। मेरी ही गलती है जो मैंने ट्विंकल को किचन का कोई काम नहीं सिखाया। गुरुजी के लिए तो वो बिल्कुल किसी भी हालत में खाना नहीं बना सकती। ट्विंकल, तुम्हें हलवा पूरी बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ट्विंकल को क्या प्रॉब्लम होगी? ट्विंकल तो इस घर की लकी चाम है। आई एम वेरी श्योर कि ट्विंकल का हाथ लगते ही ना खाना तो खुद ब खुद स्वादिष्ट बन जाएगा। गुरुजी बहुत खुश होंगे इसके हाथ का खाना खाकर। और देखो, छोटी बहू होने के नाते ना ये इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्विंकल बेटा, इस घर की परंपरा रही है कि गुरुजी के सम्मान में ना हम 51 पूड़ी और हलवा बनाते हैं। इस बार ये जिम्मेदारी तुम्हारी, मुझे पूरा यकीन है तुम बखूबी करोगी और गुरुजी का आशीर्वाद पाओ। अगर आप और आंटी चाहते हो मैं ये करूं, मैं ये जरूर करूंगी। मैं अपने हाथों से गुरुजी के लिए 51 पूड़ी और हलवा बनाऊंगी। सो स्वीट बेटा। लीला जी। हाँ जी। मुझे गुरुजी के लिए कुछ तैयारी करनी है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जी जी। और हाँ ट्विंकल बेटा, ये सारा खाना तुम्हें खुद ही अकेले बनाना पड़ेगा बिना किसी की मदद के, और बाद में गुरुजी को तुम ही परोसना। आती हूँ मैं लीला जी। अच्छा,
तेनू तो खाना ही बनाना नहीं आता, इतना सारा खाना अकेले तू कैसे बनाएगी? आप टेंशन मत लो माँ, मैं अपने ससुराल की खुशी की खातिर इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मुझे भले ही खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझमें कॉमन सेंस जिद और हिम्मत तो है। मैं अपने ससुराल वालों की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दूंगी, मैं ये खाना जरूर बनाऊंगी। पता है पुत्र, पिछले कुछ दिनों में मैं तुझमें बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ। अब मुझे भरोसा हो गया है, एक अच्छी बेटी होने के साथ साथ तू एक अच्छी बहू भी साबित होगी। जीती रही। बताइए आंटी क्या करना है, मैं तैयार हूँ। ट्विंकल बेटा, हलवा पूरी बनाने का सारा सामान वहाँ रखा है, गुरुजी आते ही होंगे। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक घंटे से भी कम टाइम है, तुम खाना बनाना शुरू कर दो। अरे लीला जी, जी कहाँ जा रही हैं? वो बस देखने जा रही थी कि सब ठीक है ना। लीला जी, मुझे लगता है अगर आप वहाँ रहेंगी तो ट्विंकल शायद नर्वस हो जाएगी। बस हलवा पूरी ही तो बनानी है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है। अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, वो सारा काम ठीक ठाक कर लेगी। और वैसे भी ट्विंकल का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। हाँ सो तो है। आप चलिए। ठीक है। वाहे गुरु जी, तेरी ट्विंकल की मदद करना। आज वो पहली बार अपने ससुराल का कोई काम कर रही है। मेरी बच्ची अच्छी बेटी तो है, अब उसे एक अच्छी बहू बनने में कामयाबी देना। अपने ससुराल में उसकी इज्जत बनी रहे, उस पे अपनी मेहर रखना। हे वाहेगुरु जी, मुझे ट्विंकल दी मदद करना, उसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मनोज जी और गुरु जी के सामने उसे शर्मिंदा होना पड़े। अब सरना परिवार की इज्जत उसके हाथ में है, से कोई गलती ना हो जाए। अना, क्या बात है, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? क्या बताऊं रमन, अपनी बेटी पर भरोसा रखिए, वो सारा काम ठीक ठाक कर लेगी। और वैसे भी ट्विंकल का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। कोई तो तरीका होगा जिससे मैं उसे हलवा पूरी बनाने के लिए गाइड कर सकूं। गुरुजी किसी भी वक्त आते होंगे, मैंने तो बड़ी टेंशन हो रही है। क्या ट्विंकल पूरी हलवा बना पाएगी? मैं नहीं चाहती कि मनोहर जी उनके परिवार के सामने ना उसकी बेइज्जती हो। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ले रहे हो। कुछ